A very good day to all our viewers. We are very proud to taking you through our Sansad Ratna Award winners, the parliamentarians who have been extraordinary work in their respective constituencies. Sansad Ratna Award Committee, which proudly presents awards to best performing parliamentarians for the past 11 years. And at this point in time, we felt it is very essential for the rest of politically inclined agencies and politically inclined members to understand how this pandemic has been handled. In this regard, we have our Sansad Ratna Award winners for this year, Mr. Ajay Mishra. He is a member of parliament from Kerry Lakhimpur, and he has won the Sansad Ratna Award this year. And with no further delay, let's get to know about his extraordinary work and the capacity of his in handling the situation. So, namaste, sir. थैंक यू सो मच. आप आज हमारे लिए टाइम निकाल के आए हो सर. तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी नेपाल के बॉर्डर में है, तो जो चाइना का प्रॉक्सिमिटी भी ज्यादा है, तो पहले दिन से आपको ये पैनिक सिचुएशन ज्यादा हुआ होगा. आप अभी बताइए सर प्लीज कि आपके सिचुएशन कैसा है वहाँ पे लखीमपुर में. देखिए, हमारा जो लखीमपुर है ये नेपाल बॉर्डर पर है, लेकिन ये एक ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है. काफी अच्छा यहाँ पर माहौल है और एयर फ्रेशनेस भी काफी अच्छा है. तो उस दृष्टि से शुरुआत का जो पहला लहर आया उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जिले में नहीं पड़ा था. कुछ लोग हुए प्रभावित, संक्रमित हुए, लेकिन उसको हम लोगों ने बहुत जल्दी ठीक कर लिया. लेकिन जो अभी दोबारा ये शुरू हुआ, इसमें निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का प्रभाव हमारे हमारे जिले में भी पड़ा और हमारे क्षेत्र में भी काफी मरीज निकले. हमारे यहाँ काफी टेस्टिंग हुआ और टेस्टिंग का इस समय जो हमारा परसेंटेज है, जो संक्रमण का परसेंटेज था, वो 4.13%. तो और 1482 ऐसे एक्टिव केसेस हमारे यहाँ इस समय कोविड के हैं. लेकिन 15 दिन पहले ये सिचुएशन बहुत खराब थी और बड़ी कठिन परिस्थिति हमारे सामने थी. उस दौरान काफी मरीज, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने COVID-19 के नियमों का पालन किया और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई उसको किया और निगरानी समितियों को लेकर के काम किया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि अब हम धीरे धीरे सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए हैं और हमारे यहाँ मरीज भी कम हुए. और जो कुछ जो ये 1482 है, इसमें ज्यादातर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में है. केवल 48 पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे एल2 हॉस्पिटल में है. तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए एक सदमे जैसे था. 100 साल के बाद ऐसी एक आपदा का सामना हमारे देश को करना पड़ा है. और क्योंकि हम जनसंख्या में एक बड़े देश हैं और हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था. और लेकिन हमने अपने जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, डॉक्टर थे और फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनके साथ साथ हमारी सरकारों ने जिस तरह से सहयोग किया, प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने, उसके कारण हम उसको नियंत्रित करने में सफल हुए. और निश्चित रूप से बॉर्डर का जिला होने से, और जिससे आपने कहा चाइना, तो चाइना का है वायरस, लेकिन इसका असर शहरों में ज्यादा हुआ क्योंकि वहां लोगों का आना जाना था. हमारा रूरल एरिया ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से पहले दौर में कम था, लेकिन इस बार हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन अब हम एक ठीक स्थिति में आ गए और कोरोना को हमने नियंत्रित किया. सर, एक तो है कि लोगों को लगता है कि रूरल एरिया में जो है वो मास्क ज्यादा नहीं पहनते हैं, वैक्सीनेशन लेने से घबराते हैं, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा है सर मास्क पहनना, वैक्सीनेशन लेना? ये बात थी, ये शुरुआत में बात थी. देखिए, और लोगों को जब जागरूक किया गया, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो अपने जानबूझ करके ऐसे नहीं मास्क का प्रयोग करते हैं, वो वैक्सीनेशन को भी कम अभी यूज कर रहे हैं. अभी हम लोगों ने अभी जिस तरह से जो गाँव में हम जाते हैं, गाँव में जैसे कुछ अच्छे लोग होते हैं जो वकील हैं, डॉक्टर हैं या टीचर हैं या रिटायर्ड टीचर हैं, तो ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए ये वैक्सीन लगा रहे हैं, आप ही लगाइए. और अभी मैं कल ही एक जगह गया था, तो मैंने वहां बताया, कुछ लोग डर रहे, कह रहे थे कि भाई ये वैक्सीन हम लगाएंगे तो इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा और हमारे ऊपर जो है हमारे हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ेगा.
मैं गया था तो वहां मैंने उनको बताया वैक्सीनेशन के विषय में। मैंने कहा देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके हैं और हमारे जिले में भी मैंने खुद किया है तो भी अभी 1,22,519 लोग ऐसे हैं कल तक के रिकॉर्ड में जिनको वैक्सीनेशन हमने कराया है। और ये अभी हालांकि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से परसेंटेज बहुत कम है। अभी हम गांव गांव में जाकर के कोविड केयर सेंटर हमने बनाए हैं जहां पर लोगों की वहां की आशा बहुएं हैं आंगनबाड़ी की जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ करके प्रधान और सेक्रेटरी को जोड़ करके एक कमेटी टाइप की गांव में बनाई और उन लोगों को बताते हैं कि देखिए ये नुकसानदायक नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है उसके अभी हमारे पास कोई दवा नहीं है। दवा के रूप में केवल वैक्सीन है। वैक्सीन का प्रयोग करेंगे तो हम इससे बचेंगे। और दूसरी बात मैं उनको ये कहता हूँ कि केवल इसके दो ही रास्ते हैं, एक वैक्सीनेशन है, एक दूसरा उसके साथ साथ में कोविड के नियमों का पालन करना है। कोविड के नियमों के पालन के साथ साथ अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना, उसको मेंटेन करना, उसके भी दो ही रास्ते हैं। एक तो उनको फिजिकल वर्क करना चाहिए, एक्सरसाइज। हम जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको बताता हूँ कि ठीक है अच्छी बात है, नहीं तो एक्सरसाइज करें, योगा करें और उसके साथ साथ प्रोटीन युक्त ऐसा खाना खाएं जो शरीर के लिए पौष्टिक हो और अच्छे ढंग से पचता हो। तो ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं अपने गांवों में जाकर के, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप लोगों ने धीरे धीरे मास्क भी लगाना शुरू किया है, दूरी भी बना रहे हैं और नियमों का भी पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ एक लोग हैं जिनको अभी समझाने की जरूरत है और वैक्सीनेशन के लिए हम बहुत प्रेरित कर रहे हैं, फिर भी अभी कई लोग हैं जिनमें हिचकिचाहट है। धीरे धीरे ऐसे कोई यूनिक स्टाइल है सर जो आपने किया है, नहीं तो यूनिक जो स्टेप लिया है आपने जिससे वहाँ का सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आया? वैसे जब कोविड का सिचुएशन, अभी तो तीसरा वेव भी आने वाला है तो और एक घबराने का सिचुएशन है, तो ऐसा कुछ यूनिक सोच रखे कुछ किया है सर आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव? जी, इसमें देखिए एक मैंने जो अपना मेरा अनुभव है वो अनुभव यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके समर्थक और विरोधी पहले से तय होते हैं। आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो तो भी जो आपका विरोधी है उसकी तारीफ बहुत मुश्किल से करता है। यहाँ पर हमारे और जो आपका समर्थक है वो आपके किसी खराब काम की भी उसकी आलोचना नहीं करता, उसको क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया। मैंने कहा ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में निराशा फैलेगी और निराशा फैलने का परिणाम यह होगा कि लोग इस रोग से डरेंगे और डरने के साथ साथ वो ज्यादा घबराहट होगी। तो उसको मैंने देखा, ये जो मैंने ये कहा कि 15 दिन जो पिछले थे वो इसलिए हुए क्योंकि हमने ये देखा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, किसी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे देश में ये होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल विरोधी भी होते हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं और उन्होंने अवसर ढूंढा। उन्होंने मोदी जी को गाली देने का, सरकार को गाली देने का कोई अवसर नहीं छोड़ा और हर एक चीज को अपने तरह से कहा और उसका प्रभाव सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी पड़ रहा था। मैंने उसलिए 15 दिन में जो सिचुएशन कवर की उसमें यही रहा कि हमारी सरकार ने चुपचाप ठीक ढंग से कहा, काम किया, आलोचनाओं को बर्दाश्त करते हुए काम किया और हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ऐसी पॉजिटिव जो थिंकिंग की हमारी पोस्टें थी वो डाला, लोगों को जानकारियां दी। नहीं तो हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे किया गया कि जिनको जरूरत नहीं थी उन लोगों ने भी अपने घरों में सिलेंडर रखे, मेडिकल स्टोर वाले से पूछ करके दवाएं खाने लगी। जो दवा जब कोरोना की है नहीं तो वो तो अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर दी जाती है, क्या लक्षण है आपको, क्योंकि जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हम लोग आप सब देखते होंगे कई बार उनकी जब बात होते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि कोरोना की कोई दवा नहीं, कोविड की अभी दवा नहीं बनी। और दवा जब नहीं है तो हम लोग जो हमारे अंदर लक्षण है केवल उनकी दवा खाएं और बाकी हम ठीक ठाक ढंग से फिजिकल वर्क करें और अच्छा खाना खाए तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा आता है। और ये सब बातें आई तो लगा कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बेड नहीं है, लोग मरने लगे और वो हुआ सब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे स्टेरॉइड को देने का। अभी स्टेरॉइड की इतनी बात अब करी जा रही है कि स्टेरॉइड को एक सीमित खुराक देनी चाहिए, उसकी एक लिमिटेड खुराक होती है, 5 दिन 7 दिन के बाद देंगे। तो
लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल देते रहे और उसके सबका परिणाम ये हुआ कि एक पैनिक आ गया, एकदम ऐसी स्थिति बन गई कि जिसमें लोगों में घबराहट और भय। लेकिन ये 15 दिन के अंदर हम लोगों ने स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, लोगों को कहा ऑक्सीजन पर्याप्त है और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, जिससे मैंने अपने जिले में हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू हो गया है। हमने वहां पर गेल से बात करके, जो उनका CSR फंड होता है, उस फंड से हम अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पीएम केयर फंड में एक 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हमारे केंद्र की सरकार की मदद से हमने यहाँ पर बनाया है, वो अभी बिल्डिंग उसकी कंप्लीट होने वाली, वहां पर पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे हैं। और एक हमारा प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर पहले एक उद्योगपति का था, वो भी चल रहा था। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक हफ्ते की सरप्लस ऑक्सीजन मैंने अखबारों में बार बार कहा, सोशल मीडिया पे कहा कि कहीं पर भी किसी को ऑक्सीजन, और किसी की भी हमारे यहाँ कोई ऐसी कैजुअलिटी ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। और ऐसे धीरे धीरे करने से माहौल सुधरा और आज सोशल मीडिया में लोगों के अंदर आत्मविश्वास भी वापिस आया है, उनका कॉन्फिडेंस आया और लोगों को लगता है कि परिस्थितियां नियंत्रण में है और किसी भी स्थिति से हम लोग आगे काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और उसकी जो पोस्ट कोविड जो स्थिति है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। पोस्ट कोविड स्थिति में अब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अब आप अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाइए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी शरीर की तो आप करोड़ों वायरस हमारे ऊपर हमला करते हैं, ऐसे कितने फंगस होते हैं जो हमारे हैं शरीर में, लेकिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। अब ये नया वायरस आया जिसका हम लोगों के पास कोई गुण नहीं था और इसलिए यह वैक्सीन को ढूंढा गया, तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ रहा है और वो शारीरिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उस कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी है और मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजर है, इसको कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हमने यही कहा कि वैक्सीन ही हम लोगों की एकमात्र दवा है। हमारी सरकार ने जिस तरह से प्रयास किया है, वैक्सीन का प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ा रहे हैं। जुलाई से 10 करोड़ वैक्सीन हमारे यहाँ रोज बनेगी, अगस्त में हम उसको 25 करोड़ तक ले जाएंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर में 40-40 करोड़ वैक्सीन बनेगी और दिसंबर में हम 50 करोड़ वैक्सीन बनाएंगे। ऐसे दिसंबर तक 216 डोजेस वैक्सीन की उपलब्ध हो जाएगी और लगभग लगभग अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे इस दिसंबर के। ऐसे हम लोग काम करें, ऐसे लोगों के बाद की गई तो उनको कॉन्फिडेंस आया था, उनको लगा कि नहीं अब कोरोना के संक्रमण से निपट। Wonderful, sir. So clearly explained. Actually, ये social media के साथ साथ जो regular media है, जो इस pandemic situation में और भी घबराहट होने लग जाता है, news देखते हैं, तो आपके चुनाव क्षेत्र में आप कैसे positivity spread कर रहे हो सर, कैसे positivity दे रहे हो COVID positive patients को? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज कोई भी चैनल आप खोलिए उस पर इसी की बहस करते हुए देखते हुए आपको मिले। मैंने अपने क्षेत्र में ये क्या, मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं कोविड सेंटर्स का दौरा करता हूँ, हॉस्पिटल्स का दौरा करता हूँ और उसके साथ साथ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट उनकी भी हमने एक लिस्ट बना रखी, उनकी जो डेली की डेली हमारा जो जिला प्रशासन है उससे मैं लिस्ट लेता हूँ। जो लोगों की छुट्टी हो जाती है उन लोगों को, जो ठीक हो गए कोविड निगेटिव हो गए उनको, और जो हैं उनसे मैं लगातार अपने फोन से स्वयं बात करता हूँ, अपने ऑफिस से मैं उनकी हाल चाल लेता हूँ, केवल सामान्य बात करता हूँ कि बताइए आपका कैसे हाल चाल है, आपको ऑक्सीजन मिल रही, कोई समस्या तो नहीं, दवा आपने खाई कि नहीं खाई, अच्छा आज तो आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, आपको आज लग रहा है कि आपको हेल्थ अच्छा है, ऐसे उनको बात करके इस तरह का एक माहौल बनाते हैं। तो उनको लगता है कि ये आदमी या इन जैसे और लोग प्रशासन के लोग हमारे साथ खड़े हमारे बीच में, तो उनका कॉन्फिडेंस लौटता है और उससे जो है उनको लगता है कि ये स्थितियां जो है वो सब नियंत्रण में है और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं जिसको बोलता हूँ मैं यही कहता हूँ, अरे आप तो फाइटर है, जल्दी घड़िए आगे आइए। तो इस तरह से बातचीत करने से और उनको ये बताने से कि हर चीज हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको बेड भी देंगे, हम ऑक्सीजन भी देंगे, हमारे पास हॉस्पिटल भी है, जरूरत पड़ी तो हम आपको और कुछ हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। तो ऐसे करने से सारी स्थितियां इस समय धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है। अभी पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरे ख्याल में 90% लोग इन सब बातों को समझ चुके हैं और धीरे धीरे मेरे ख्याल में 4-6 दिन के अंदर अंदर
और कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो सर आप कोविड पेशेंट्स? इसमें ये रहा कि हम लोगों ने जो हमारा जैसे लोकसभा का मैं सदस्य हूँ, तो आपको जानकारी हुई कि 2022 तक 31 मार्च 2022 तक का जो हमारा सांसद निधि का फंड था 10 करोड़ का, वो हम लोगों ने लोकसभा में प्रस्ताव करके उसको कोविड की लड़ाई के लिए भेजा, और एक साल तक हमने अपनी जो हमारी सैलरी उसका 30% कोविड की लड़ाई के लिए दिया, हर महीने उसको दिया, और 1,11,000 रुपये मैंने अपने पास से वो अपने मतलब अपने निजी फंड से उसको भी दिया, और उसके साथ साथ अन्य लोगों से बात करके जैसे कम्युनिटी किचन है उसको चलाने का है, सैनिटाइजर बांटने का है, मास्क बांटने का है, इन सब कामों को दूसरे लोगों की मदद से भी किया। अभी जैसे मैंने जिक्र किया ऑक्सीजन कार्ड CSR फंड से हमने लगाया, तो वो फंड आप जानते हैं कि जो ऐसी कंपनियां जिनका 500 करोड़ ऐसे ज्यादा का फंड होता है, वो भारत की जो 12 कंपनियां होती है वो अपना 6% ऐसे समाज के खर्च करती है, प्रॉफिट का 6%, तो उससे उससे हमने पैसा लिया और अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया। ऐसे दूसरे और भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं और मदद करके हम अपने क्षेत्र में कोरोना से जो संक्रमित है उनको पैसे जल्दी ठीक हो और इस संक्रमण से। बहुत बढ़िया सर, एक्चुअली सिचुएशन बहुत इमोशनल सपोर्ट और फिनेंशियल सपोर्ट का एसेंशियल टाइम हो गया अभी, और इस टाइम में आप इतना यू नो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना सोच समझ के, इतना इमोशनली अटैच होके आप इतना सर्विस दे रहे हो, वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ द वर्क यू आर डूइंग सर। एंड कोई किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करना है, कोई जरूरी पड़ा तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते सर आप? उसके लिए हमारे हमने उनके नंबर दे रखे हैं, और जो हमारा ये ऑफिस है इसका भी नंबर 24 घंटे खुला रहता है। मेरे अपने पर्सनल नंबर है वो भी हमेशा ओपन रहते, कभी बंद नहीं करते, कभी इंटरनेट की समस्या हो तो एक अलग बात है कि सिग्नल ना रहता हूँ, लेकिन हमने अपने हमारे अमित सिंह जी हैं, संजय सिंह जी हैं, वो दोनों लोगों का नंबर लोगों के पास है, और उसके साथ साथ हमारे कार्यालय का जो लैंडलाइन नंबर है उसे कभी कभी नेटवर्क नहीं होता तो मोबाइल फोन नहीं मिलता, तो 2788800 ये हमारा जो पैनिक अबाउट दिस कोविड सिचुएशन, एंड वी आर वेरी प्राउड एज अ संसद रत्न अवार्ड रेसिपिएंट दैट यू हैव बीन डूइंग वंडरफुल वर्क। थैंक यू सो मच NGPL के तरफ से, विच इज नेक्स्ट जेन पोलिटिकल लीडर्स, जिसमें हम यंग पोलिटिशियन को ट्रेनिंग करके उनको चुनाव लड़ने के लिए हम जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो NGPL के तरफ से, संसद रत्न अवार्ड्स कमिटी के तरफ से एंड प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद आपका, नमस्ते।